हेलो दोस्तों, सिटी एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो हमने एनालिसिस किया था, मतलब जो लास्ट वर्किंग डे था हमारा 12 तारीख का, 12 अगस्त को, जो मार्केट खत्म होने के बाद आज जब मार्केट खुलेगा तो हमें मार्केट में क्या ट्रेड करना था, कौन से रेंज में काम करना था, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया था, रेंज दिया था, उसके अकॉर्डिंग आज मार्केट में क्या हुआ, कैसे ट्रेड करना था वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और साथ में हमने जो ऑप्शन के ट्रेड कैरी किए थे उनका क्या किया, कहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, क्या चीज किया, वो आपको अपडेट कर दूंगा। और जिनको इंट्राडे में आज ट्रेड करना था तो हमने क्या ट्रेड लिया और वापिस कल के लिए हमारा क्या स्ट्रेटेजी है, कल जब अभी 17 तारीख को मार्केट ओपन होगा तो कौन से रेंज में मार्केट में डिमांड आएगा और कहाँ पे मार्केट में सप्लाई आ सकता है, तो वो पूरा एनालिसिस अभी हम बात करेंगे, ये पूरा डिटेल हम बात करेंगे। तो जो वीडियो है ये लास्ट तक देखना है। तो फटाफट मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। तो आज जब मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था सपोज 12 तारीख को, तो जब मार्केट यहाँ पे ओपन होगा तो यहाँ से सबको लग रहा है कि अरे बहुत बढ़िया, मार्केट ने गैप अप कर दिया। लेकिन वो अगर गैप अप का बेनिफिट उठाना है तो आपको 12 तारीख को डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे ट्रेड कैरी करना है, बाय में रखना है। अगर ये चीज कर सकते हो तो पैसा बनता है। जैसे आपने देखा होगा सपोज होता क्या है, जैसे ये ऑप्शन की मैं बात करो, 12 तारीख के लिए हमने जो मार्केट में ट्रेड लिया था, सुबह सुबह 10 बजे ट्रेड लिया था, 30,800 का जो कॉल था, इससे ये रेंज में खरीदने के लिए बोला था, ये टॉप लॉस लगा के रखा था। 18 अगस्त का चार्ट अभी भी आपके पास अवेलेबल रहेगा, आप लगा के देखना। और ये दोनों टारगेट दिए थे। वैसे 18 अगस्त का ही निफ्टी के लिए 17,700 का जो कॉल था वो 90 और 100 के बीच में खरीदने के लिए बोला था, 65 का टॉप लॉस लगा के रखना था। 70 तक भी नीचे आया लेकिन उसके बाद फिर वापस मार्केट ऊपर गया और हमारा टारगेट था 150 190। और जब मार्केट खत्म हो रहा था सपोज 12 तारीख को, तो हमने देखो डिसीजन क्या लिया कि 17,700 का कॉल आपको कैरी करना था बाय में, और वैसे 30,800 का कॉल जो था वो भी कैरी करना था, क्योंकि मार्केट अपने बाइंग ट्रेड होने के बाद थोड़ा ऊपर आया हुआ था लेकिन टारगेट तक कंप्लीट नहीं गया था, क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। तो ये प्रोसेस अगर आप यहाँ पे कर सकते हो तो फिर आज जब मार्केट गैप अप करेगा तो आपको फिर प्रॉफिट बुक करने को मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे कि जो चीज आपने 300 340 पे खरीदा था तो 600 में प्रॉफिट बुक करने को मिला, तो बैंक निफ्टी को हमने प्रॉफिट कंप्लीटली बुक कर दिया। और निफ्टी का जो 90 में हमने खरीदा था 145 को आप प्रॉफिट, मतलब दो लॉट रहेगा तो एक लॉट बुक कर देना है, 10 लॉट लिया है तो 5 लॉट बुक कर देना है और रिमेनिंग 5 लॉट अभी भी उसको कैरी करना था। ये हो चुका है जिनका ऑलरेडी पोजीशन लिया था उनके बारे में बात। लेकिन अभी इम्पोर्टेंट चीज क्या था कि बहुत लोगों ने क्या किया, देखो नॉर्मली जैसे ही मार्केट ने ये गैप अप कर दिया होगा आज, तो गैप अप होने के बाद आपको भी पता है यहाँ पे जब पहले आधा एक घंटा था तो ऐसा लगता कि यही से मार्केट ऊपर भाग जाएगा, ये नीचे आएगा ही नहीं। तो बहुत लोगों ने सुबह सुबह, क्योंकि कल तो पहले तो 12 तारीख को मार्केट में कोई पोजीशन रखा नहीं होगा, 2-3 दिन का गैप है इसके लिए, और जैसे ही मार्केट ने गैप अप हो गया तो अभी यहाँ पे सब लोगों ने बहुत जल्दबाजी किया होगा बाय करने को। और जैसे ही आपने यहाँ पे खरीदा होगा उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आया हुआ है, बहुत लोगों के टॉप लॉस गए होंगे और कुछ का टॉप लॉस बचा भी रहेगा होगा, सपोज टॉप लॉस नहीं भी ट्रिगर हुआ होगा तो भी वो बहुत पैनिक हो गया कि मार्केट तो ऊपर लग रहा है, सब लोग बोल रहे मार्केट ऊपर जाने वाला है, मैंने तो बाय ही किया उसके बाद भी मुझे लॉस क्यों हो रहा है। इसका रीजन सिंपल सा है कि आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एंट्री कब करना है। जब तक आपको एंट्री नहीं समझ में आएगा तब तक आपको मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। जैसे ही मार्केट ने गैप अप किया तो मार्केट में दो चीज होता है, या तो ट्रेंडी मार्केट ऊपर निकल जाता है या तो मार्केट पुल बैक करता है, जो 2-4 बार मैंने बहुत बार ये अपने यही आप अगर ये चैनल पे पुराने हो तो आपको समझ में आता होगा कि हाई ब्रेक होगा तो ही मार्केट ऊपर जाता है, अदरवाइज मार्केट में पुल बैक आता है। और जब पुल बैक आएगा तो खरीदना है, तब तक खरीदना नहीं है जब तक मार्केट में हाई ब्रेक का जो कंडीशन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वो अगर सेटिस्फाइड होता है तो ही तुरंत बाइंग करेंगे, अदरवाइज मार्केट में वेट करेंगे, जो अपना रेंज है वो रेंज में मार्केट आएगा तो खरीदेंगे। और एग्जैक्टली यही सिचुएशन आपने देखा होगा, तो मार्केट देखो जब ओपन हो गया तो प्रॉफिट तो बुक कर दिया क्योंकि हाई ब्रेक करेगा तो ही मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाएगा, अदरवाइज मार्केट में पुल बैक आने वाला था तो वहां पे प्रॉफिट बुक किया। और जब मार्केट में पुल बैक आ रहा है सपोज दैट, तो जो भी नए लोगों को नया ट्रेड लेना था वेट करने के लिए बोला, और बाद में 17,800 का जो कॉल था वो 65 और 75 के रेंज में खरीदने के लिए बोला, ये 10 बजे बोल रहा हूँ। अगर आप देखेंगे 17,800 का कॉल का रेट अगर 10 बजे क्या चल रहा है वो देखेंगे, तो
तो आपको पता चलेगा। और यही सबसे बड़ा टेस्ट रहता है, ये 17,800 का कॉल का मैंने चार्ट लगा दिया, सुबह 10 की बात कर रहा हूँ तो ये लगभग यहाँ पे मार्केट चलता होगा, तो नियर अबाउट कम से कम 90 के 95 के ऊपर ही चल रहा था, 100 रुपए चल रहा था। और यहाँ पे जब मार्केट ये 9:45-10 बजे चल रहा था, 15 मिनट का चार्ट लगा था और समझ में आएगा आपको। तो जब मार्केट यहाँ पे 10 बजे यहाँ पे था, देखो ये कैंडल जब कंप्लीट कर रहा है तो यहाँ पे जब मार्केट चल रहा था तब मैं बोल रहा था कि अगर ये नीचे आएगा 65 और 75 के रेंज में आएगा तो खरीदना है। और ये चीज लाइव मार्केट पे बताया हुआ, 10:02 में बोला है कि ये रेंज में आएगा तो खरीदो, तब तक होल्ड करो, और ये मार्केट ये रेंज में आ जाएगा तो टॉप लॉस 45 का लगाना, मतलब 20 रुपए का टॉप लॉस रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहेगा, और वहां से मार्केट 125 और 147 जा सकता है। ये हमारा स्ट्रेटेजी था। और आप देखेंगे ये सुबह 10 बजे बोला है, मार्केट ने कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे किया, थोड़ा 92 भी हुआ, उसके बाद वापिस एक बार ऊपर जाने की कोशिश किया, 103 किया। यही सबसे बड़ा चीज है। और यहाँ पे बहुत लोगों ने खरीदा है माल और उसके बाद फिर वो गिरना चालू किया, तो मार्केट में एंट्री जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक पैसा नहीं बनेगा। और अभी सब लोगों को लगता है यहाँ पे अगर कहीं खरीदते हम और यहाँ से अरे मार्केट ऊपर गया 20-22 रुपए प्रॉफिट आया, 20-22 रुपए कमाने के लिए मार्केट में नहीं है हम, सपोज दैट यहाँ पे अगर हमने ट्रेड बनाया हुआ है तो अभी 125 का टारगेट रहेगा और 147 का टारगेट रहेगा, 20 रुपए का टॉप लॉस लेकर अगर मार्केट 125 तक, आप इसको 70 रुपए में खरीदा हुआ माल अगर बेचेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अट्रैक्टिव रहता है, 20 रुपए आएगा या तो 50-60 रुपए आएगा तो आपको अपने आप प्रॉफिट आएगा। और उसका सेकंड टारगेट है 145 और 147 या तो 150 तक हम बात कर सकते हैं। तो मतलब ये रेशियो हमें मार्केट में फॉलो करना होता है। और ये कैसे होता है, तो जो चीज मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि ये क्यों करना कैसे करना है, तो बहुत सिंपल सा है। मार्केट में जब हम काम करते हैं सपोज दैट, तो उसका एक रेंज बनाते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, जब हम ट्रेड करते हैं सपोज दैट, तो जैसे आज के लिए भी आपने आपको मैंने देखो सुबह 7:16-17 को ही दिया था कि भाई ये रेंज मार्केट में आएगा तो बाय करना है, ये रेंज में आएगा तो बैंक निफ्टी को खरीदना है, ये सेलिंग रेंज के नीचे जाएगा तो ही शॉर्ट सेल करेंगे तो ही पुट को खरीदेंगे, पहली ये बात है। लेकिन आज मार्केट भी गैप अप कर गया तो लेवल रिकैलकुलेशन करना था, वो प्रोसेस करके जो लेटेस्ट लेवल मार्केट में आया था वो चीज था कि अगर 17,824 के नियर अबाउट अगर निफ्टी आता है तो निफ्टी में बाइंग आएगा, क्योंकि मार्केट गैप अप करके 860-8 समथिंग को 850 के नियर अबाउट चल रहा था, तो जब नीचे आएगा पुल बैक करेगा तो खरीदेंगे। और यही चीज हुआ कि मार्केट उसके बाद नीचे आया और फिर ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, और फिर कहीं तो भी 860-870 को जाके मार्केट रुका हुआ है निफ्टी की अगर मैं बात कर रहा हूँ सपोज दैट। तो ये प्रोसेस देखो, नीचे आया उसके बाद वापिस ऊपर गया, तो ये जो आपको रेंज पता करना है वो जब तक नहीं, और ये चीज आपको एडवांस में समझ में आएगा वो जो हमने किया था 12 तारीख को बैठ के कि क्या स्ट्रेटेजी। अब हमारा जो रेंज था वहां से मार्केट एक दिन दो दिन का गैप था, इसलिए मार्केट सीधा गैप अप कर गया, तो गैप अप करने के बाद जब मार्केट में आधा घंटे का मूवमेंट हो गया उसके बाद अभी मार्केट में कहां पे ट्रेड करना है वो चीज हम एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस कहां पे करते हैं, तो हमारा ये वेबसाइट है ctacademy.co.in, यहाँ पे अगर आप आएंगे सपोज दैट आपको समझ में आता है, लॉग इन बटन पे क्लिक करते हैं, लॉग इन पे क्लिक करने के बाद अपना सिस्टम ओपन हो जाता है। सिस्टम ओपन होने के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे एनालिसिस करना है, क्या करना है, हर चीज वहां पे हम कर सकते हो, कोई भी स्क्रिप्ट का कर सकते हो। जैसे अभी निफ्टी का मैंने यहाँ पे एनालिसिस करके रखा हुआ है, निफ्टी का अभी 16 तारीख आज खत्म होगा, 3:30 के बाद मैं मार्केट में आया हूँ। कोई भी आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी काम करो, काम करते करते मार्केट क्लोज होने के बाद आपको 2 से 5 मिनट निकालना है, आज का डेट दे दिया और कल 17 तारीख को मार्केट में क्या करना है वो रेंज आपके पास रहेगा, जो मैंने यहाँ पे 16 का डेट दिया, अपडेट डेट क्या रहेगा, और मैंने वो लेवल कैलकुलेट करके रखा हुआ है कि 17,802 और 17,836-37, ये इसके बीच में अगर मार्केट मिलता है तो मार्केट में खरीदारी करना है, मार्केट में बाइंग कंटिन्यू रहेगा। अभी ये जो निफ्टी का अप ट्रेंड चल रहा है, अगर ये कोई भी रीजन की वजह से अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड आने वाला है तो कब डाउन ट्रेंड आएगा, अगर मार्केट 17,762 के नीचे जाएगा तो ही हमें इसमें डाउन ट्रेंड की बात करना, सेल करने का सोचना है। अगर एक बार अगर आपको ट्रेंड पता चल जाए कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा है, तो ये पुल बैक चल रहा है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड आ चुका है, ये दोनों का डिफरेंस समझ में आने लग जाएगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि ये जब से गिरता है ना तो ऐसे लगता है कि बस अभी जाएगा ही नीचे। जैसे यहाँ पे भी बहुत लोगों को लगता होगा, 2-3 दिन का पहला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने एक्सप्लेन भी किया था, ये मार्केट ने हाई ब्रेक का गैप अप किया लेकिन हाई ब्रेक का कंडीशन नहीं किया तो मार्केट पुल बैक कर रहा है, अपना बाइंग रेंज था
यहाँ पे मैंने 11 तारीख का वीडियो जो अपलोड किया होगा वो देखना 12 तारीख के लिए। तो एग्जैक्टली ये बाइंग रेंज में मार्केट आया और वहां से फिर ये रैली आया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमने ट्रेड बनाया हुआ है वो ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं हम, और जिनको नया ट्रेड बनाना है तो उनका लेवल आज भी दिया था और वापिस अगर कल के लिए क्या करना है तो कल के लिए बहुत सिंपल सा है कि अगर 802 से लेके 836 इसके बीच में मार्केट मिलता है तो वापिस बाइंग करेंगे, मार्केट में बाइंग कंटिन्यू रहेगा। और अगर 17,762 के नीचे निकलता है तो ही मार्केट में ट्रेंड चेंज होगा, तब तक मार्केट में अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा ये प्रोसेस से। और अगर मार्केट 762 के नीचे आ जाता है तो ये जो रेंज है 762 से लेके 727 इसके बीच में मार्केट में सेलिंग प्रेशर आएगा और वो मार्केट को नीचे लेके जाएगा। अभी यही चीज जब मैं ऑप्शन में काम करता हूँ तो ऑप्शन के लिए कैसे यूज करना है, तो बहुत सिंपल सा चीज है। अगर सपोज ये बाइंग रेंज में कर मार्केट खुलता है तो 17,850 का कॉल में आपको काम करना है, और अगर मार्केट अगर सेलिंग रेंज में खुल जाता है तो 17,750 के पुट में आपको काम करना है। जैसे ही मार्केट अपने ये बाइंग रेंज में चलेगा निफ्टी फ्यूचर अगस्त का, तो जब सपोज 820 चल रहा है, 825 जो भी रेंज ये रेंज में बीच में चल रहा है, तो 17,850 का जो कॉल रहेगा आपको उस टाइम पे खरीद लेना है। और वैसे ही सपोज अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाता है तो वो 750 चल रहा है, 740 चल रहा है, इसका मतलब ये जो सेलिंग रेंज है इसके बीच में मार्केट चला, उसके नीचे मार्केट जा रहा है, तो 17,750 का जो पुट रहेगा वो पुट खरीदना है। मतलब समझ में आएगा, अगर अप ट्रेंड है तो ही कॉल खरीदेंगे और डाउन ट्रेंड रहेगा तो पुट खरीदेंगे। और वही प्रोसेस आज भी हमने मार्केट में किया था, जो आपको मैंने आपको यहाँ पे चार्ट पे भी दिखाया कि मार्केट जब यहाँ पे था अप ट्रेंड था, मैंने बोला 60-70 के बीच में अगर मार्केट आता है तो खरीदना है। जो चीज मैंने आपको ऑप्शन में आपको बताया तो एक बार वापस दिखा देता हूँ, तो 65 और 75 के रेंज में ये कैलकुलेट करते आता है, या तो जैसे ही वो अपने बाइंग रेंज में आएगा निफ्टी फ्यूचर को जो रेंज मैंने आपको शेयर किया तो वो रेंज में मार्केट आ जाएगा, तो तुरंत वहां पे 17,800 का जिससे मैंने लास्ट टाइम बोला था, तो अभी आपको 850 का कॉल कल के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो वो खरीदो और उसका फिर टारगेट टॉप लॉस आप यूज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो मार्केट में। तो ये चीज हमें मार्केट में फॉलो करना है। अभी भी यहाँ पे 65 to 75 पे मैंने 17,800 का कॉल खरीदा हुआ है और ये होल्ड किया हुआ है। आप अगर यहाँ पे देख सकते हो सपोज मार्केट, तो कंटिन्यूसली अगर आप मार्केट यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आपको पता चलेगा 17,850 का जो कॉल है उसको कल के लिए हमने बाय में कैरी किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, और 34,400 का जो बैंक निफ्टी का कॉल रहेगा उसको भी होल्ड करके रखा हुआ है और 850 के कॉल को भी होल्ड किया हुआ है। तो जिनको थोड़ा बहुत मार्जिन का कुछ कम ज्यादा इशू होगा तो इसके लिए 850 भी आप बाय कर सकते हो। तो ये दोनों आपको अभी भी हमने बाय कैरी किया हुआ है, जो 12 तारीख को कैरी किया था उसमें से ऑलमोस्ट दोनों टारगेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज वापस हमने नए लेटेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस जिसमें एक्टिविटी बढ़ने वाला है वो स्ट्राइक प्राइस में वापस नया पोजीशन बनाया हुआ है, कल के लिए ये प्रोसेस हम कंटिन्यू करने वाले। निफ्टी और बैंक निफ्टी का कौन से ऑप्शन में हमने ट्रेड लिया क्या लिया वो मैंने आपको बता दिया है। अभी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हमें देखना है कि इसके बाद बैंक निफ्टी में क्या करना है आपको कल के लिए। तो बैंक निफ्टी के लिए बहुत सिंपल सा चीज है कि जैसे मैंने निफ्टी का रेंज आपको शेयर किया और वो कब क्या ट्रेड लेना वो आपको मैंने बताया, वैसे बैंक निफ्टी के लिए भी यही चीज करना है कि 16 तारीख का डेट मैंने यहाँ पे दे दिया, 17 तारीख के लिए मार्केट में लेवल आपके पास आएगा कि अगर 34,39,194 से लेके 246 इसके बीच में कहीं पे भी मार्केट आ जाए तो आपको मार्केट को अप ट्रेंड ही बोलना है। मार्केट 400 से भी नीचे आ रहा है 200 पॉइंट तो भी अगर ये रेंज में आता है तो यहाँ से मार्केट में वापिस बाइंग आएगा, मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। कल के लिए 39,300 का जो कॉल रहेगा, मैंने ऑलरेडी 39,400 के कॉल में और 39,300 के कॉल में पोजीशन बना के रखा हुआ है, वही पोजीशन आपको कल बनाना है। अगर मार्केट ये रेंज में आता है तो 39,300 के कॉल को खरीदना है ये बाइंग रेंज में अगर मार्केट आएगा तो, और जैसे ही हमारे टारगेट को मार्केट जाएगा तो वहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे। और जब सपोज मार्केट अगर ये सेलिंग रेंज अपना 39,135 के नीचे अगर मार्केट चला जाता है तो मार्केट जब ये सेलिंग रेंज में अगर जाएगा 39,135 से लेके 39,083 ये 40-50 रुपए के रेंज में अगर मार्केट चलता है तो आपको 39,100 का जो पुट रहेगा वो पुट को खरीदना है कल के लिए 18 तारीख का, 18 अगस्त का। अभी करंट सीरीज में ही हम काम करेंगे कल के दिन के लिए, तो आपको बैंक निफ्टी के लिए दिमाग में रखना है अगर ये बाइंग रेंज में जाता है तो 39,300 के कॉल को खरीदेंगे और अगर सेलिंग रेंज में जाता है तो 39,100 के पुट को खरीदेंगे, और ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे मार्केट में। और जैसे ही ये फ्यूचर के टारगेट को मार्केट जाएगा उस टाइम पे वो प्रॉफिट भी हम बुक कर सकते हो। तो इस हिसाब से मार्केट में हमें काम करना है। अभी भी हमने ये ऑप्शन में पोजीशन बना के रखा हुआ है,
ये पोजीशन आपका ऑलरेडी ऐसा बना हुआ है तो आप होल्ड करो, और जिन्होंने पोजीशन नहीं लिया हुआ है तो उनके लिए ऑलरेडी मैंने अभी आपको कॉल बताया हुआ है, उसमें नए कल अगर मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है वो देख के अपने रेंज में जैसे ही मार्केट आएगा तो उसमें ट्रेड कर सकते हो। तो ये प्रोसेस करना है, हमेशा एक दिमाग में रखना। देखो कॉमन मिस्टेक, आप भी बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे थे जैसे ही मार्केट ऊपर ओपन होगा तो पहले तो एक बात की जल्दबाजी क्या होती है कि मैं कब खरीदूं, ऐसा लगता है कि अभी मार्केट ऊपर ही निकल जाएगा। तो पहले तो रुकना रुकना सीखना पड़ेगा, और मार्केट जब नीचे आएगा, जैसे मैंने वो ये जो कॉल था आपका ये भी, तो जब सुबह मैंने बोला सपोज दैट कि आपको 70-75 पे खरीदना है, 65 से 75 के बीच में खरीदना है, तो जब वो 100 रुपया चल रहा था तो सब लोग उनके एक ही मैसेज था कि अरे सर वो तो 100 रुपया चल रहा है। वही तो बात है सर इम्पोर्टेंट, कि अगर वो अपने रेंज में आएगा तो खरीदेंगे, और मार्केट और कहीं नहीं जाता। अगर यहाँ से सीधा ऊपर भी जाने वाला है तो जो बैंक निफ्टी में या तो निफ्टी में जो भी हम फ्यूचर जिसका अंडरलाइन एसेट है उसको देख के अगर उसका हाई ब्रेक का कंडीशन आएगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप नया कॉल या पुट में ट्रेड ले सकते हो। कैसे लेना वो चीज मैंने आपको डिटेल में लास्ट पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मेन चीज अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करके पैसा बनाना है तो आपको एंट्री बहुत समझ में आना चाहिए, यही चीज खरीदना है। खरीदना कोई गलत नहीं है, लेकिन सुबह यहाँ पे खरीदा, दिन भर मार्केट निगेटिव में था, वापिस कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, कुछ नहीं कमाया। लेकिन वही चीज अगर 2 घंटा रुकने के बाद आप खरीदेंगे तो आज के आज आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, और कल अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा रहता है। यहाँ से अगर मार्केट नीचे भी चला जाता तो 20 रुपए का रिस्क था। तो ये प्रोसेस अगर आप मार्केट में कर सकते हो तो फिर आपको मार्केट में अच्छा सा प्रॉफिट बनेगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना है, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना चैनल सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।